वजीर आजम शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, जहां बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। सूबाई हुकूमत भी इतनी ही इमदाद देगी। तबाह शुदा घरों पर इमदाद बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी। बोले, आखिरी घर के आबाद होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। इमदादी कैंपों में खाना पानी और तिब्बी इमदाद न मिलने के इंकशाफ पर वजीर आजम बरहम। मुतासरीन की शिकायत पर वजीर आला बलोचिस्तान को जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेने का हुक्म। अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो ने मुतालिक अफसरान को मुअत्तल कर दिया। बलोचिस्तान में सैलाब मजीद 6 अफराद की जिंदगियां निकल गया। जहां बहक अफराद की तादाद 142 हो गई। 2300 से जायद मवेशी हलाक। सैकड़ों मकानात और 1 लाख से जायद एकड़ पर फैली फसलें तबाह। 11 पुल भी बह गए। सड़कें बहने से मुख्तलिफ इलाकों में खाने पीने की अशिया की किल्लत। कोयटा, कराची और दीगर सड़कों पर भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर। ट्रैक बह जाने से पाक ईरान रेलवे सर्विस भी मुअत्तल। बिजली, टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासर। मुल्क भर में तूफानी बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। हलाकतों की तादाद 350 से तजावज कर गई। सिंध में 100 से ज्यादा अफराद जहां बहक। पंजाब में 86 अफराद जान से गए। तौंसा की बस्ती छतानी में 150 घर सैलाबी पानी की नजर हो गए। मरदान में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जहां बहक। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक हलाकतें 18 हो गई। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश जारी। मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के पानी की निकासी न होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। दूधरिया के करीब रेस्टोरेंट का एक हिस्सा समंदर में गिर गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सिंध में 10 जून से 31 जुलाई तक 103 अफराद जां बहक। पीडीएमए की रिपोर्ट जारी। 57,000 से ज्यादा घर मुतासर। हेडलाइंस आप जान